प्रेरणा शर्मा, रुक करते हैं आज की कई खास खबरों की ओर। होली के नजदीक आते ही वन विभाग की ओर से आदिवासी अंचल के लोगों ने हर्बल गुलाल बनाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि वन विभाग की ओर से उदयपुर शहर के गोगुंदा क्षेत्र के देवता में स्थित ग्वालिया वन नाका में इन दिनों होली को लेकर हर्बल गुलाल बनाई जा रही है। एलर्जी करने वाले कलर के बाजार में आने की वजह से हर्बल गुलाल को खासा पसंद किया जाता है और इनकी मांग बढ़ी हुई है। हर्बल गुलाल को अरारोट के आटे में अलग अलग रंगों का रस डालकर और उसको सुखा कर तैयार किया जाता है। आटे में मिलाया जाने वाला रस रंग बिरंगे फूलों या पेड़ों की पत्तियों को सुखा कर और उसको उबाल कर बनाया जाता है। हर्बल कलर तैयार होने के बाद इसे पैकिंग करके इनकी मार्केटिंग की जाती है। उदयपुर में भी बड़ी तादाद में यह गुलाल आता है। हर्बल गुलाल को स्वयं सहायता में कार्यरत महिलाओं और जंगल रह रहे परिवार के लोगों के द्वारा तैयार किया जाता है। वर्तमान समय में बाजार में बिक रही केमिकल युक्त गुलाब से कहीं ज्यादा हर्बल गुलाल बेहतर है। इस गुलाब से शरीर पर कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता, जिससे इसको काफी पसंद किया जा रहा है। वन विभाग के द्वारा करीब 50 क्विंटल हर्बल गुलाल बनाने का लक्ष्य रखा गया है।